सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा करा दिए। पाकिस्तान मामला बेहतरी की तरफ आ चुके हैं, मईशत पहले से बेहतर है, जल्द इस्तेहकाम आएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने अच्छी खबर सुना दी, कहा बरादर मुल्क हर मौके पर साथ खड़ा होता है। वजीर आजम आर्मी चीफ की तरफ सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिलने के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट ने रवा साल बुलंदी का नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स 15 माह बाद 45,000 की नफसियाती हद दूर करने में कामयाब। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा, 2 रुपए 30 पैसे बढ़कर 282 रुपए पर ट्रेड। बाडा यूनिवर्सिटी के फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गए। गवर्नर के पीके हाजी गुलाम अली ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम 60 तलबा और तालबात में लैपटॉप तस्लीम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिल गेट्स में टेलीफोनिक रब्ता। वजीर आजम ने बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात में पाकिस्तान की तरफ से सराहा, कहा मुल्क मोहलिक बीमारियों से बचाव, गजाइत की कमी पर काबू पाना हुकूमती तरजीह है। बिल गेट्स ने वजीर आजम की लीडरशिप इंसदाद पोलियो के हवाले से कोशिशों की भी तारीफ की। भारतीय आबी दहशतगर्दी जारी, दरियाए रावी के बाद सतलज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएमए का अलर्ट जारी, कुछ देर बाद दरियाए रावी और सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जंग में 20 से ज्यादा देहात डूब गए। दीपालपुर में फसलों को नुकसान, लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। हेडमराला के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम।